उनका 5:30 बजे का टाइम लैंडिंग इन बॉम्बे. किसका? कियारा का और सिद्धार्थ. सोलो. प्लीज सोलो लीजिए. मैम फर्स्टली गुड टू सी यू. यू हैव केम हियर. क्या कुछ है? टैरो कार्ड रीडर है, फेस रीडिंग है, व्हाट वुड यू लाइक टू से? ये अभी बस मैं मुझे पता लगेगा फेस रीडिंग का भी. अभी आपने मुझे बताया, आपको ज़्यादा नॉलेज है. आई एम गोना एंजॉय द रीडिंग नाउ एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें. अभी मैंने शुरुआत ही की थी एंड हमारी चीज़ें, मुझे लगता है मेरा टाइम यहाँ ज़्यादा लगने वाला है. एंड वेरी पॉजिटिव वाइब गीतांजलि. फॉर द फर्स्ट टाइम मैं मीटिंग हर, सो प्रीटी एक्साइटेड. लेट्स सी. किस तरह के क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर किए? वो हैव यू आस्क्ड? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली अबाउट माय पेट्स. आई रियली वांट टू नो, जिनको मैंने सडनली लूज़ किया है. तो फॉर मी इट वॉज अ शॉक. सो मैंने कहा चलिए देखते हैं, लेट्स जस्ट ट्राई दिस. And what are your upcoming projects? I am doing my next series which will start, जिसका मैं शूट ऑलरेडी कर चुकी हूँ दिसंबर में. और अब दोबारा से वी गोना स्टार्ट शूटिंग वेरी वेरी सून. लेट्स सी, दिस मंथ नॉट पॉसिबल, आई थिंक नेक्स्ट मंथ वी विल बी स्टार्टिंग. प्रिंस भाई के साथ कोई गाना? क्योंकि लास्ट सॉन्ग काफ़ी, मेरा एक नया गाना जो मैंने खुद गाया वो आने वाला है बहुत जल्दी. और वी आर कमिंग अप विथ लॉट ऑफ सॉन्ग्स जो हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं. अभी तोड़ बहुत बड़ा हिट गया है, बिल बोर्ड पर आया गाना. सुपर एक्साइटेड फॉर फर्दर प्रोजेक्ट्स. काफ़ी सारी चीज़ें हैं. टचवुड, आप लोगों का प्यार जिस तरीके से बना हुआ है वैसे बना रहे हैं. कल बिग बॉस का फाइनल भी है. आप एमसी स्टैंड को लग रहा है काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, मैं एक्चुअली मैंने अभी एक ट्वीट किया था, उसको भी मैं बता देती हूँ. एमसी स्टैंड और शिव के बारे में, शिव और एमसी स्टैंड. और मैंने बोला था शिव और एमसी स्टैंड इज फॉर जनता एंड प्रियंका इज फॉर चैनल. सो बेसिकली मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि बहुत सारे, मुझे पता था अगर मैं एक का नाम लूँगी तो दूसरों के फ़ैन परेशान हो जाएंगे. बट क्या होता है, आपको एडवांटेज होता है जब आप ऑलरेडी किसी के साथ काम कर चुके हो. तो अगर आपने ऑलरेडी अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनाई हुई है बहुत अच्छी एक शो में काम करके, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है विच इज़ वेरी गुड. तो अप्रिशिएट करना चाहिए. तो मैं अब बोलना चाहती हूँ सबको कि प्रियंका ने मेहनत करके अपना काम कमाया है, वो मेहनत की है, वो ऑडियंस बनाई है, तभी वो चैनल की चॉइस बनी है. कोई ऐसी नहीं आके खड़ा होके ये चैनल की चॉइस बन जाता है. एंड विच इज़ वेरी गुड, वन शुड बी प्राउड ऑफ. उसकी जगह कोई और होता, उसकी जगह अगर मैं भी होती, मैं बोलती नहीं भाई, आई एम वेरी प्राउड, मैंने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हूँ. एमसी स्टैंड इज ऑफकोर्स, ये जितने भी लोग फाइनल तक पहुँचे हैं सब ने अपने खून पसीना एक करके यहाँ तक पहुँचे हैं. बिकॉज एक शो में, रियलिटी शो में मैं रह चुकी हूँ, इतना आसान नहीं है. मेंटली फिजिकली आप ख़त्म हो चुके होते हो और एंड तक पहुँचते पहुँचते आप अपना सारी जान लगा देते हो. तो एक शो को बनाने में जो बना रहे हैं पीछे बैठ के, उनके लिए भी बहुत मेहनत का काम है. और जो काम कर रहे हैं सामने रह के, उनके लिए भी एक ह्यूज रिस्पेक्ट मैं बोलना चाहूँगी. एंड कोई भी जीते, डेफिनेटली सब ने बहुत मेहनत की है, सबका वक्त होता है. एक टॉप थ्री क्या है आपके? टॉप थ्री मुझे एमसी स्टैंड, शिव, प्रियंका. अर्चना ने भी बहुत मेहनत की है डेफिनेटली. अपना हंसना, रोना, गुस्सा करना, जो भी साइड दिखाई, सब रंग दिखाए हैं अपने. एक शो में बने रहने के लिए, एक ऐसे अननोन चेहरे, जब आपके ऑफकोर्स शी वॉज, आई डिडंट नो हर अर्चना पहले, अब मैं अर्चना को जानती हूँ. इट फील सो गुड, कितना अच्छा लगता है अगर आप अननोन चेहरे आते हैं और दिल में जगह बनाते हैं. खट्टा मीठा कैसे भी हो, आपने अपनी जगह बनाई है एक शो में रह के. तो आपका विनर कौन है? मेरा विनर बहुत मुश्किल है कहना, बट मेरे लिए सभी विनर है गाइस. सभी विनर है, बाकी मेहनत करके पहुँचे. कौन जीतेगा? जिसकी भी ऑडियंस ज़्यादा होगी, सब लोगों ने मेहनत की है. सो गाइस चिल करिए, जो मैं बोलती हूँ ट्विटर पे, मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों का रिएक्शन कैसा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड. हर इंसान मेहनत करके पहुँचता है. अगर मैं एक का नाम लूँगी या दूसरे का नहीं लूँगी,
मेरे सभी फेवरेट हैं और मैं हमेशा कोशिश रहती है जो लोग नए नए आए हैं उनको मैं ज़्यादा पुश करूं yes. क्योंकि उनको एक एहसास चाहिए होता है कि हमारे लिए भी कोई खड़ा है. जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी तो ऑडियंस बन चुकी है लेकिन उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है. जो पहली बार कदम रख रहे हैं, पहली बार अब आगे कोई फिल्म करेगा, कोई सीरियल करेगा, कोई गाने करेगा. सो ऑल द बेस्ट एवरी वन. जो भी जीते वो तो ट्रॉफी लेके जाएगा लेकिन जीत सब गए हैं क्योंकि सबको दुनिया जानती है. सो सब खुश रहें, मजे करें जिंदगी में, मेहनत करें और आगे बढ़ें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. डन. दाल बड़े बड़े आते हैं. Thank you.